हेलो स्टूडेंट्स, अब क्लास नाइन्थ। टूडेज इन माई वीडियो लेक्चर वी डिस्क्राइब्स नेक्स्ट टॉपिक्स आप केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने स्टेट ऑफ मैटर के 3 स्टेट डिस्क्राइब किया था। आज 4th स्टेट्स दैट इज प्लाज्मा दैट इज नॉन इवैल्यूएबल फॉर्म। आप यहाँ देख रहे हैं, कुछ आपको एक साइन यहाँ दिखाई दे रहा है। पॉइंट वाइज डिस्क्राइब करेंगे। पॉइंट वाइज फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट ए प्लाज्मा इज एन आयोनाइज्ड गैस। जो आयोनाइज्ड गैस होता है उसी को प्लाज्मा फॉर्म नाम दिया गया है। तो प्लाज्मा दैट इज आयोनाइज्ड गैस। पॉइंट सेकेंड्स ए प्लाज्मा इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज अफेक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड। प्लाज्मा इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर होता है एंड अफेक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड में अफेक्ट होता है। पॉइंट थर्ड्स प्लाज्मा लाइक गैसेस हैव एन इनडिफिनिट शेप एंड इनडिफिनिट वॉल्यूम्स। प्लाज्मा का जो है इनडिफिनिट शेप इनडिफिनिट वॉल्यूम्स होता है। एग्जाम्पल आयोनाइज्ड गैसेस। तीसरा से स्टूडेंट्स 4th स्टेट्स जो भी आप यहाँ शो किए हमने आपको दिखाया कि प्लाज्मा स्टेट्स जो आप यहाँ दिखाया जा रहा है दैट इज आयोनाइज्ड गैस से रिलेटेड है। दैट इज नॉन इवैल्यूएटिव। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट 5th पॉइंट आता है। जब 5th पॉइंट्स बोन आइंस्टीन कंडेंसेट इसको भी हम नॉन इवैल्यूएटिव स्टेज भी कहते हैं। ए बी ई सी शॉर्ट नेम दैट इज बोन आइंस्टीन कंडेंसेट इज ए स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन अराइज एट वेरी लो। तो यह जो बेक है BEC है, यह मैटर का वह स्टेट है दैट अराइज वेरी लो टेम्परेचर, जो बहुत लो टेम्परेचर पर ही अराइज होता है। नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड्स द साइंटिस्ट हु वर्कड विद द बोन आइंस्टीन कंडेंसेट रिसीव ए नोबल प्राइज फॉर दियर वर्क इन 1995। द साइंटिस्ट जिसने वर्क किया विद द बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेट रिसीव्स ए नोबल प्राइज, और इन्होंने नोबल प्राइज अटेंड किया 1995 में। द BEC बेक इज ऑल अबाउट दैट आर रियली क्लोज टू ईच अदर। तो बेक या जो है वह मॉलिक्यूल्स है दैट आर रियली क्लोज टू ईच अदर, जो बहुत ही क्लोज होता है, इवन क्लोजर देन एटम इन सॉलिड। पॉइंट्स दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इवन क्लोजर देन एटम इन सॉलिड्स। तो इसमें इसके एटम जो होते हैं सॉलिड से भी जो है यह क्लोज होते हैं, जो आपको यहाँ शो किया जा रहा है कि इवन क्लोजर देन एटम ऑफ सॉलिड्स। हाँ स्टूडेंट्स, सॉलिड लिक्विड गैस से रिलेटेड जो 5 स्टेट हमने प्रोवाइड किया, इस 5 स्टेट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से हम आपको दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का आप आंसर राइट करेंगे, और अगर आंसर नहीं मिलता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे उसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट ए सब्सटेंस हैज ए डिफिनिट वॉल्यूम बट नो डिफिनिट से स्टेट वेदर दिस सब्सटेंस इज ए सॉलिड लिक्विड आर ए गैस। क्वेश्चन फर्स्ट में आपको दिखाया गया है डिफिनिट वॉल्यूम जिसका वॉल्यूम डिफिनिट हो एंड नो डिफिनिट शेप और जिसका शेप डिफिनिट ना हो, ऐसे सब्सटेंस को हम सॉलिड नेम देते हैं, लिक्विड नेम देते हैं और गैस नेम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस को आप लोग जो है
अच्छे तरह इसको हार्डली और सेंसिटिव लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जब तक आपको क्लियर नहीं होगा, आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसे क्वेश्चंस क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन सेकेंड्स। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्रॉपर्टी पार्टिकल्स। तो ये जो पार्टिकल्स आपको दिया गया है, इसके सब्सटेंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि इन जो सब्सटेंस दिया गया है इसमें किस में फोर्स अट्रैक्शन हायर होगा। फर्स्ट इसमें जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट्स दैट इज मिल्क, सेकेंड सॉल्ट एंड थर्ड ऑक्सीजन्स। तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको शो करना है इनके पार्टिकल में, कि मिल्क सॉल्ट और ऑक्सीजन में किसके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हायर होगा। क्वेश्चन थर्ड्स, ए सब्सटेंस है नाइदर ए फिक्स सब्सटेंस, इसका से फिक्स होता नहीं होता है, नॉर ए फिक्स बालूम्स, और बालून फिक्स नहीं होता है। स्टेट वेदर इट इज सॉलिड्स और लिक्विड्स और गैस, जिसका सेफ एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स नहीं होते हैं, ऐसे मैटर को हम क्या नेम देते हैं, उसको सॉलिड कहते हैं कि लिक्विड कहते हैं, गैस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चंस, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज बिलो द रूम टेम्परेचर, प्रिडिक्ट इट्स फिजिकल स्टेट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट बिलो द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से भी कम है, तो प्रिडिक्ट इट्स फिजिकल स्टेट, इसके फिजिकल स्टेट को आपको शो करना है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने प्रोवाइड किए जो क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन को जो है, जो क्वेश्चंस 1, 2, 4 आपको दिए गए हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ सॉलिड इक्विड। इस क्वेश्चंस को आप अच्छे तरह जो है इसके आंसर को क्लियर करेंगे, क्लियर न होने पर इसका आंसर हम प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए हमारे इस चैनल्स को, वीडियो को अच्छे तरह से कीजिएगा। सो थैंक्स।